यस चलो लेट अस रीस्टार्ट. आई विल राइट ऑल द एंटायर रिएक्शन अगेन. ठीक है, डोंट वरी, वापस से पूरा रिएक्शन लिखता हूं मैं. लेट अस गो थ्रू इट अगेन. ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग, व्हाट सिंथेसिस, व्हाट सिंथेसिस के अलावा व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव, कैन वी हैव एनी अदर रिएक्शन, कैन वी सिंथेसाइज अल्केन्स बाय मेटल? आंसर इज यस. ओके, सो व्हाट इज दैट रिएक्शन एग्जैक्टली? I'll write down over here, students. Wait. I hope all of them have. हाँ, ठीक है. So अपने ग्रुप का इश्यू नहीं है, बाकी ग्रुप्स में भी नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं. Okay. So we can produce synthesize alkanes, students. We can synthesize alkanes by using magnesium metal also. So I'll write in the title. Alkane synthesis. Okay, alkane synthesis by magnesium. By using magnesium metal. ठीक है students, by using magnesium metal. Is that understood? चलो आगे चलें. So कैसे अपन ने start किया था students? Simple सा हमने, अच्छा in भी बनता है इसमें. Intermediate मतलब क्या students? What do I mean by intermediate? Let us try to understand. Okay, let us try to understand. अच्छा, just a second. I hope all of you can switch on your audio. Let me check the settings. हाँ, सब switch on कर सकते हैं audio. ओके, इंटरमीडिएट मतलब क्या? सपोज किया कि आज आदि चले जाएगा कांदिवली से चर्च गेट. ठीक है, आदि कार में आज कांदिवली से चर्च गेट जाने वाला है. एंड बीच में आदि ने दादर में आदि ने डिसाइड किया कि मैं दादर स्टेशन पे रुकूंगा. ठीक है, एंड वहां पे वड़ा पाव खाऊंगा फिर मैं आगे जाऊंगा. वड़ा पाव खाऊंगा, लस्सी पीऊंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा. सो बीच में जो हॉल्ट लिया, जो बीच में कोई चीज बनी, उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट. ओके स्टूडेंट्स, वी कॉल दैट एज इंटरमीडिएट. सो इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन व्हेन वी स्टार्ट दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड इज नोन एज इंटरमीडिएट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. Students, try to spell out this word once. एक बार बोलने की कोशिश करो, pronounce करने की कोशिश करो. Grignard's reagent. बोलने की कोशिश करो. Reagent. क्या नाम है? Grignard's reagent. Okay. So this is how I'll start. CH3. क्या बोलूँगा मैं? CH3. Then I write Br, so this is methyl bromide. Methyl bromide में मैं क्या add करूँगा? I will not add sodium. I will add magnesium. Okay, and then arrow पे अपन same चीज लिखेंगे, dry ether. Okay, and what I'll get? मुझे CH3. Okay, CH3, Mg. चलो लेट अस फॉर्म साथ में लिखता हूँ. ठीक है, थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा आपके लिए. अंडरस्टैंडिंग वुड बी गुड ओवर हियर. CH3MgBr स्टूडेंट्स, एंड लुक एट दी नेम स्टूडेंट्स ओवर हियर. यू डोंट हैव टू गिव IUPAC नेम. यू डोंट हैव टू गिव IUPAC नेम स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेम्बर. ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपका बन गया, और इसका भी नेमिंग करना पड़ेगा ओनली बाय कॉमन नेमिंग सिस्टम. सो प्लीज लर्न कैसे नेमिंग करना है. ये देखो, दिस ग्रुप यू विल कॉल एज अल्काइल. सो विच अल्काइल इज दिस स्टूडेंट्स? विच अल्काइल इज दिस? टेल मी ऑन ऑडियो, विच अल्काइल इज दिस? मिथाइल. वेरी गुड आंसर, शाबाश. देन यू विल से मैग्नीशियम. फॉलो द कलर कोड, फॉलो द कलर कोड, फॉलो द कलर कोड. देन बाय कॉमन सिस्टम बी आर मतलब क्या स्टूडेंट्स? ब्रोमो या ब्रोमाइड? ब्रोमाइड. Bromide, very good. Bromide is the right answer. So methyl magnesium bromide,
एंड दिस इज योर ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. फर्स्ट राइट डाउन दिस रिएक्शन इन योर बुक स्टूडेंट्स. इतना पार्ट पहले लिख दो अपने बुक में. चलो क्विकली राइट दिस डाउन इन योर बुक स्टूडेंट्स. क्विकली राइट दिस डाउन इन योर बुक स्टूडेंट्स. प्लीज राइट दिस डाउन इन योर बुक क्विकली एंड देन वी विल मूव अहेड. देन वी विल मूव अहेड. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड देन वी शैल मूव अहेड ऑन टू द सेकेंड स्टेप. दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. टू स्टेप रिएक्शन है ये. ओके, जनित्य सोनित रुजुता मीत सुपेदा मेहक देसाई साहिल देव शाह जेनी. ऑल ऑफ यू हैव केप्ट योर कैमरा ऑफ. ऑल ऑफ यू हैव केप्ट योर कैमरा ऑफ. ठीक है, कीप योर कैमरा ऑन और एल्स रुक जाओ. शुड आई राइट योर नेम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टैग यू ओवर देयर? मजबूर कर रहे हो आप लोग मुझे ये करने पे. पीपल आर फोर्सिंग मी टू डू दिस नाउ. ठीक है, चलो डन स्टूडेंट्स, डन. सो इफ देखो पूछो सर नाम क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट नाम है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है ना. सॉइल से इसको देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या बुलाता हूं, इसके लिए मेरे पास वर्ड है ह्यूमन बीइंग. एक एग्जांपल देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, ह्यूमन बीइंग, दिस इज जनरल टर्म. एंड देन ह्यूमन बीइंग का आंसर क्या है, आयुष. क्या नाम है उसका, आयुष. समझ में आ रहा है? तो जनरल नाम इज, जनरल टर्म इज ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, स्पेसिफिक नेम इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज अ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. व्हाट इफ सर वी हैव इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज आल्सो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज आल्सो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. अंडरस्टूड? एनीथिंग व्हिच हैज अल्काइल ग्रुप ऑन वन साइड and halogen on the other side of magnesium. Magnesium will never change. Magnesium will never change. ठीक है? So anything which has these two things on either sides of magnesium, confirm halogen होगा. So उसको अपन बोलते हैं Grignard's reagent. Clear students? चलो, should I delete this part now? Each one of you have taken this screenshot and you print this in your book now. So I'll delete this. I'll delete this. नाम भी डिलीट कर देता हूं. ठीक है, ओके, चलो. सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप क्या है? ये सेम चीज को आई रीराइट. ओके, एस लिख दूंगा. चलो सीरी देन एम जी then br CH3MgBr students, and I have to react this with second step mein Grignard's reagent jo mila Akshay ko, Akshay ne second step pe same wahi Grignard's reagent ko react karwayega water ke saath. Kiske saath? Water ke saath. Can I write water like this students? Any harm in writing water in this pattern? Can I write it in this pattern, students? बोलो yes, मुझे. सिंपल है ये पैटर्न. आर्यन समझ में आ गया? आर्यन को, साहिल को समझ में आ गया, स्वाति को समझ में आ गया, आयुष को बाउंसर चला गया, समझ में नहीं आया? बताओ सबको समझ में आया? सबको yes, समझ sir. में आ गया. वेरी गुड. सो क्या करना है मुझे, जो मुझे फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला, दैट सेम प्रोडक्ट आई हैव टू यूज. That same product I have to use and I have to react it with the water. Same product I have to use and I have to react it in presence of dry ether once again. In presence of dry ether. Okay. So what will be reaction, students? Ye dekho. Kya reaction hoga, students? Check karo. Now I have to give this H. Ye jo H hai. Humko banana kya hai, socho. Alkane banana hai na. Thoda dimag lagao. Humko banana kya hai? What is our objective? I have to prepare alkane. Check the title, students. Alkane synthesis is the title. So if I look over here in these two reactants properly, if I do these two reactions properly, apan kya kar sakte hain pata hai? If I can mix this plus this, I'll get my alkane. Check karo students. Kaun sa alkane mil jayega aapko?
मीथेन करेक्ट है। सो एवरी टाइम आपकी नजर इस पे रहनी चाहिए। सो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता कौन सा मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, क्या है, बट आई नो वेरी वेल कि एवरी टाइम आई विल गेट दिस ग्रुप फॉर श्योर, ये ग्रुप तो मुझे मिलेगा ही। सो लेट अस जॉइन दीज टू पीपल एंड लेट अस जॉइन ये देखो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको और इसको। सो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करो प्लीज, कलर कोड यूज करो। इफ यू डोंट हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर का पैटर्न, ट्राई टू यूज पैटर्न्स। ये देखो ऐसे अलग अलग शेप बनाओ। सो यू अंडरस्टैंड किसको किसको अटैचमेंट करना है हमको, ठीक है, किस किस को अटैच करना है, तो आ जाएगी बात। ओके नाउ लेट मी राइट द फाइनल प्रोडक्ट, आई एम राइटिंग द फाइनल प्रोडक्ट, चेक करो आई एम फॉलोइंग द कलर कोड ऑल्सो। CH3H plus क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स में, Mg के बाद Br था ऑलरेडी, NMG का ये वाला जगह खाली हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला जगह खाली हो गया, देखो जहां पे CH3 था that space is empty now. Am I getting this? Srushti, understanding this? Now this space is empty. Yes. This space is empty. Correct? Yes, Meet. No problem, Meet. Chalo, this step is empty now. This space is empty, sorry. So what I'll write over here? What I'll write over here? OH. OH. Kya baat hai? Very good. And I'll connect this with O first, students. Okay? Aapko connection kisse karna hai? O se. Wait. Write this again. स्पेस प्रॉपरली क्रिएट करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट इट प्रॉपरली सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड। सो CH3 एच आई राइट प्लस आई राइट Mg, आई राइट Br, राइट OH, चेक करो स्टूडेंट्स OH, अंडरस्टूड? Is that clear? अगर शौनित ने ऐसा लिखा, ये देखो शौनित ने ऐसा लिख दिया OH, correct? OH. If it is not correct, you justify me why it is not correct. What if he writes OH like this? Sir, OH alcohol हो जाएगा। OH कैसा लिखना है? ये method wrong अगर है तो क्यों wrong है मानव? वो बता। सर क्योंकि वो अल्कोहल का है साइन, इसके चलेगा तो नहीं, अल्कोहल तो वैसे भी रहेगा, सर वी नीड टू राइट मिरर ना, नहीं दैट इज रॉन्ग। एनीबॉडी एल्स स्टूडेंट्स, ये देखो ऊपर वाला ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, चलो टेल मी व्हिच वन इज करेक्ट एंड टेल मी इफ इट इज नॉट करेक्ट देन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। हु कैन जस्ट, यस स्वाति, सृष्टि पंचाल, आयुष, आर्यन, ऋषिता ऋषिका, महक देसाई, रुजिता शिंदे, सर यस सृष्टि, बिकॉज का बॉन्ड तो सैटिस्फाई हो गया ना, ओ का एक बाकी है इसके ऊपर। वेरी गुड, क्या बोला पता है सृष्टि ने, आधे लोग को समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं पता, सृष्टि ने क्या बोला, एच का वैलेंसी कितना होता है बताओ मुझे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एच? 1 इफ आई राइट इट इन दिस पैटर्न, अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे चेक करो हाउ मेनी बॉन्ड्स दिस एच इज फॉर्मिंग, लेफ्ट साइड पे भी बॉन्ड, राइट साइड पे भी बॉन्ड, सो कितनी वैलेंसी हो गई, चमत्कार कर दिया आपने, दो वैलेंसी हो गई एच की, ऐसा होता है क्या कभी बताओ मुझे, ऋषिता ऋषिका यू टेल, आयुष ने बोला नो, स्वाति ने बोला आई डोंट नो, आदिपुरव ने बोला पता नहीं क्या सिखा रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है कुछ बात, समझ में आ रहा है ना, समझा ना अक्षय, समझा ना आदि, समझा कुछ बात, वेरी गुड, शाबाश। सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग एंड आई इफ आई गो इनटू दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये देखो एच के पास ओनली वन बॉन्ड एंड दैट इज विथ ओ, इट हैज ओनली वन बॉन्ड दैट इज विथ ओ, देयरफॉर ऑलवेज O को आपको ज्वाइन करना है, और आपको ये अगर नहीं याद, आपको ये अगर नहीं समझा, नहीं याद आया तो आप ऐसे याद रखोगे ओ माई गॉड, ये देखो ओ एम जी, ये तो सिंपल
याद रहेगा मुझे, है ना? यहाँ पे ओ माय गॉड हो रहा है क्या, ओ एच एम जी हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? है ना, तो ये दिस इज ओ एम जी, प्रॉपर ओ एम जी, तो ओ एम जी आना चाहिए. वेल डन सृष्टि, वेरी गुड जस्टिफिकेशन. एंड टेक्निकली इट शोज, टेक्निकली हाउ स्ट्रॉन्ग आर, ये इशारा देता है अपने को. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश. सो आई विल डिलीट दिस स्टूडेंट्स, आई विल डिलीट दिस, है ना, और मैं वापस से लिख दूं आपके लिए, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैंने कलर कोड सारे फॉलो किए हैं स्टूडेंट्स, सो आई होप आप भी फॉलो करोगे. किसके लिए? मेरे लिए मत करना, खुद के लिए करना. ठीक है, आप ही का फायदा हो जाएगा इसमें. चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट दिस इन योर नोटबुक नाउ क्विकली. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज मीथेन. नेम ऑफ द मीथेन. टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली एंड राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स, इन योर नोटबुक्स. चलो साहिल, समझ में आया ना? साहिल समझ रहा है? साहिल गुड गुड, वेरी गुड. नहीं समझेगा तो पूछ लेने का, ओके? कुछ भी नहीं समझा तो अपने को पूछना है. अगर नहीं समझा तो मन के अंदर छुपा के रखेंगे, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे तो मैं क्या सोचूंगा, आएगा, ये सब नहीं सोचना है. सब कुछ पूछ के रख लेना है. ठीक है, शुड आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल? ट्राई करोगे? फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, जस्ट टू मेक यू अकस्टम्ड टू दिस रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, चलो, सो आई विल चेंज, ये वाले सारे पार्ट में चेंज कर दूंगा. नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी, ओके? आई विल गिव यू ओनली वन पार्ट एंड रेस्ट यू पीपल आर गोइंग टू हेल्प मी, ओके स्टूडेंट्स? चलो, सो व्हाट इफ आई हैव C2H5 ओवर हियर, C2H5. नाउ स्टार्ट, फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स, फिल करो ब्लैंक्स को, फिल करो कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे. जो चेंज नहीं हुआ उसको मैंने एड्रेस लिख दिया. आप क्या ट्राई करो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो. आप ऊपर वाला रिएक्शन जो आपने बुक में लिखा है उसको देख के ट्राई टू सॉल्व दिस रिएक्शन. नाउ डोंट सी ऑन स्क्रीन, ओके? ये आपका रिएक्टेंट है, इसको लेकर स्टार्ट हो जाओ. एंड देन जब आपका रिएक्शन हो जाए, देन ऊपर देखो एंड देन ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कम टिल द आंसर. आंसर तक आपको, ठीक है, ये भी एक ब्लैंक है. सो आई हैव टू ब्लैंक्स ओवर हियर, 1, 2, 3, सॉरी 3 ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने हैं स्टूडेंट्स. चलो कंप्लीट द रिएक्शन, देन कम टू द ब्लैंक्स. अभी ब्लैंक्स देख के आंसर पे मत आना सीधा, पहले आंसर, पहले रिएक्शन, देन चेक करो. रेज योर हैंड, मस्ट यू डन क्विकली, बी क्विक प्लीज.
चलो स्टूडेंट्स डन डन विद द रिएक्शन. नाउ आई विल फिल इन द ब्लैंक फॉर यू. ओके आप चेक करो आपके आंसर्स राइट हैं क्या. ठीक है आप चेक करो आपके आंसर्स राइट हैं. ओके सो हु इज गोइंग टू हेल्प मी. हु इज गोइंग टू हेल्प मी. साहिल साहिल स्विच ऑन योर ऑडियो. साहिल ऑडियो ऑन कर. मुझे यहाँ पे पता क्या आएगा साहिल. यहाँ पे पता कौन सा ग्रुप लिखो यहाँ पे. C2H5 is right answer. Very good. C2H5. Next यहाँ पे साहिल क्या आएगा. Same C2H5. क्या बात है. Very good. C2H5. Then साहिल H तो पहले से था. सॉरी H में डाल देता हूँ. H डाल दिया मैं. चल अब क्या आएगा बता. यस साहिल C3H6. कार्बन से कहाँ से बढ़ गया कार्बन. एक C2 से C3 कैसे हो गया कार्बन. C2H6 ऑलरेडी है ना एक इधर. आपको खाली फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा. मे बी यू विल ऑल्सो हैव टू फिल इन द ब्लैंक फॉर हैलोजन इफ आई चेंज द हैलोजन ग्रुप. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट. चेक कर लो. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट. रेज योर हैंड. Raise your hand if you have got this correct, students. Very good. Shabash. Shabash. Okay, chalo. So now I'll give you three reactants. Students. You have to solve all those three reactants with Grignard's reagent. Yahi reaction same pura karna hai. Dono step. So total, every reactant clear two steps. समझ में आया. सो टोटल थ्री रिएक्शंस आपको बनाने. जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट आपको आई गेव यू इथाइल ब्रोमाइड एज द रिएक्टेंट. करेक्ट. सो आई विल गिव यू ओनली दिस नाउ दिस रिएक्टेंट. बस आपको पूरा रिएक्शन करना है. आर यू ऑल रेडी. टेल मी ऑल ऑफ यू रेडी. यस सर. यस सर. चलो गो अहेड. बिकॉज़ टाइम खाली 2 मिनट्स बाकी है इस सेशन के लिए. 30 मिनट्स बाकी है अपने पास. सो मैं रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ पहले स्क्रीन पे. यू पीपल स्टार्ट सॉल्विंग. आई विल एंड द मीटिंग. क्लिक ऑन द लिंक. सेम लिंक. ज्वाइन अगेन. खाली क्लिक करके ज्वाइन करने दो और आप अपना काम करते रहो. ठीक है. कैमरा खाली ऑन कर देना. समझ में आया. तो टाइम वेस्ट भी अपना नहीं होगा. चलो क्विकली नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स. आपके बुक में भी नोट डाउन कर लो. ये यू हैव टू सॉल्व दिस बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बाय यूजिंग मैग्नीशियम मेटल. ओके बाय यूजिंग मैग्नीशियम मेटल. So my first reactant is sec butyl bromide. Sec butyl bromide. My second reactant is 2-chloro-propane. ठीक है. 2-chloro-propane. My third reactant is 2-methyl-2-iodo-2-methyl-butane. ठीक है. दीज आर माई थ्री रिएक्टेंट्स. नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स. नोट डाउन कर लो. यस आयुष सर. हम लोग को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ना पहले फिर उसके बाद देखना है. हाँ बिना ड्रॉ किए कैसे करेगा रिएक्शन. बिना नहीं सकता ना. चलो नोट डाउन कर लिया तीनों. स्क्रीनशॉट भी ले लो इफ यू वॉन्ट. आई एम एंडिंग दिस सेशन. आई विल रीस्टार्ट दिस. राइट डाउन द नेम्स प्रॉपरली and give it a try. अगर आपको फर्स्ट वाला सपोज नहीं आ रहा है कॉमन नेम की वजह से.